गौतम बुद्ध नगर सीट की, तो यहां पर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। महेश शर्मा ने इसे जनता और पीएम मोदी की जीत बताया है। महेश शर्मा ने कहा, गठबंधन नाम की चिड़िया उड़ गई है। तो महेश शर्मा ने जीत हासिल की है। मौजूद है, बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। और डॉक्टर साहब, गठबंधन की अगर बात करें यूपी में, किस तरीके से आपको लगता है गठबंधन ने क्या जादू दिखाने की बात कही थी, क्या गठबंधन नाम की जिस चिड़िया को उन्होंने शुरू किया था कांग्रेस ने, पहले तो कांग्रेस को इन्होंने बहाल कर दिया। बेमेल गठबंधन था ये मौका परस्तों का गठबंधन था, ये विचारधाराओं का गठबंधन नहीं था। 38-38 सीटों पर वो लोग चुनाव लड़ रहे थे, सपने देख रहे थे देश का प्रधानमंत्री बनने के। सब जानते हैं कि 272 सीटों वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो गठबंधन की जिसकी जड़ें ही कहीं धरातल पर नहीं थी, उस गठबंधन का भविष्य सबको पता था, वो दिखाई हो गए। डॉक्टर साहब, इस बार मार्जिन बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि मोदी मैजिक और सांसद जी दोनों एक साथ काम आ गए? देखिए, मुझे एक तो खुशी है, मैं तो अपने मुझे ये इस जीत की और इस बढ़त की क्रेडिट मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। और सच तो ये, मैं तो अपने राम जी की खड़ाऊं लेकर अपनी राजनीति करने निकला था। सर, एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया बदलाव आया है और वहां हिंसा और घृणा की राजनीति को बदलकर लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति को जगह दी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका कहना है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी एंट्री कर ली है और अब एक नए युग की शुरुआत हुई है। कैमरामैन महबूब के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।